है ऊपर का? बताओ कहाँ है? पापा कौन ले गया? कैसे? हेलो मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नसीमा और ये मेरे बेटे और मेरे साहबजादे खेल खेल में लगे। मेरे बेटे और मेरे साहबजादे ये मेरे शौहर साहब और ये मेरे साहबजादे दोनों गेम खेल रहे हैं। और मेरा आज काम, जो मुझे काफी दिनों से पार्लर जाना था तो मैं सोची आज निपटा जाऊं, क्योंकि कल मुझे लखनऊ जाना है तो आज मुझे पैकिंग भी करना है। मैं चाह रही हूँ कि मैं जाने से पहले इमरान को कुछ खिला दूं, कुछ बढ़िया डिनर करा दूं, ताकि उनको मेरी कम याद आए। नहीं, मेरी ज्यादा याद आए कि नसीमा होती तो मुझे शायद और भी खिला देती। नहीं, कम ही याद आएगी इनको तो मेरी ये तो अपने बेटे को ही मिस करेंगे, मैं तो वैसे भी इनकी कोई नहीं लगती हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मैं जाने से पहले इमरान को कुछ अच्छा अच्छा खिला दूँ। पर ये जनाब है कि किसी चीज़ के लिए तैयार ही नहीं होते। कोई ख्वाहिश नहीं, हाँ अगर तुम्हारा दिल है तो खा लो, वरना कोई बात नहीं है। ऐसा करते हैं, शाम को राजमा बनवाते हैं। मैं जा रही हूँ पार्लर और पार्लर में जाके मुझे थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद जाऊँगी, जा रही हूँ तो वहाँ से फिर आके मैंने कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में। रियान के कपड़े निकालने हैं मुझे, और क्योंकि रियान भी जा रहा है और इमरान बेचारे बहुत दुखी हैं, क्योंकि मतलब मेरे बिना तो रह सकते हैं ये, लेकिन इमरान रियान के बिना कैसे रहेंगे। भाषा में क्या बोल रहा है, इसने नया सीखा हुआ है, टीवी बंद कर देता है, बोलता है लाइट चली, कुछ होता है बोलता है कि ये, और मेरा फोन उठा के कभी ये सोफे के पीछे फेंक देता है, और कभी अभी इसने कह के मेरा फोन उठा के बेड के नीचे घुसा दिया कि मम्मा फोन से दूर रहेगी। ओके बेटा, चाने मास उठा दीजिए रियान। प्लान बनाती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है तो पार्लर नहीं जाऊंगी अभी मैं, क्योंकि मुझे अभी अपने दो वीडियोस अब वो करने, एडिट करने हैं, और उसके साथ मुझे एक ब्लॉग पोस्ट मुझे पोस्ट करना है, देन उसके बाद मुझे एक ड्राइंग भी बनानी है, और फिर पैकिंग भी करना है, कपड़े भी धो रहे हैं, घर का काम। रियान जी, ये देखो रियान जी क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी काम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर जाऊंगी तो 2-2.5 घंटे मेरे वेस्ट हो जाएंगे, तो इसमें मेरा काफ़ी काम हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ में जाके मैं ये सब चीज़ें फ़ोन पर नहीं घुसना चाहती हूँ, तो ये चीज़ का मैं ख्याल रखूंगी अभी के अभी। मैं ये चीज़ शेड्यूल वगैरह करके जाऊंगी, अपना वीडियो और पोस्ट भी शेड्यूल कर दूंगी। तो अगर आप naseemakhatoon.in को चेक नहीं करते हो तो मेरा वेबसाइट है naseemakhatoon.in से, और उस पर मैं अपनी पोएम्स या वट एवर थाट आई हैव इन माई माइंड मैं उसको लिखती हूँ वहाँ पे, तो आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। क्या कर रहे हो रियान जी? कतिति का क्या करोगे आप? और मैंने अभी बहुत सारे पीनट्स खा लिए, मुझे पीनट सूट नहीं करता है, मतलब पीनट खाती है ना मेरे यहाँ पे फुंसियाँ निकलने लगती हैं, पर ये मुझे, ये काफ़ी नट क्रैकर मुझे बहुत पसंद है तो मैंने खा लिया है, काफ़ी सारा खा लिया है तो फुंसी भी निकल सकता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है मैं, कुछ भी मैं वट एवर आई ईट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन माई फेस, तो मुझे बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है। लेकिन फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने बताया आपको कि पत्ता जल जाए, आज भी घी बनेगा हमारे यहाँ जाने से पहले इसको भी बना जाऊंगी। और हमारे पास थोड़ा सा पनीर भी रखा था, अभी मैंने पालक पनीर बनाया था उसका थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था तो मैं वो भी डालूंगी, और टमाटर यूजुअली मैं नहीं डालती हूँ लेकिन आज हम टमाटर भी डाल देंगे। अब ये जैसे ही थोड़ा सा सौगी सौगी सा होगा मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। ये है, इसको तेज आंच करना है।
मलाई कढ़ाई में डाल दिया है और अभी से मैं पकाऊंगी, इससे घी बन जाएगा। इसको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चिपके नहीं, बस आपको चलाते रहना है। वह चिपक जाएगा तो इसका जो रेसिडी होता है वो एक्चुअली उसको मैं मिठाई में बना देती हूँ, उसमें थोड़ा चीनी ऐड करके, तो वो नहीं बन पाएगा। मैंने कल बताया था ना मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी मैंने सूप पी रही हूँ क्योंकि कल मैं सरप्राइज दे रही हूँ अपनी मम्मा को। मैं लखनऊ जा रही हूँ तो मैंने घर में किसी को बताया नहीं है कि मैं लखनऊ जा रही हूँ। वो मुझसे पूछ भी रही थी अम्मी कि कितने बजे लेके आना है ऐसे, तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने परसों का बताया है। तो टुमारो आई एम गोइंग टू गिव हर सरप्राइज और मैं होपफुली व्लॉग भी बनाऊंगी, देखूंगी इनका क्या रिएक्शन रहता है। एंड अभी तो मेरी पैकिंग करनी है, मैंने पैकिंग मतलब सारा सामान मैंने निकाल लिया था और बैग में बस उसे रखना था और रिया ने सारा का सारा फैला दिया, उठा सब फैला दिया उसको, तो मुझे फिर से उसको सेट करना है, उसको बैग में डालना है। तो यही है ये, और ये सूप मैं बता भी नहीं सकती कितना टेस्टी सूप बना है, प्यार मिला है इमरान का। इमरान ने सूप बनाया है स्पेशली, उसे सब फैला दिया, अपने कपड़े वगैरह सब पूरा फैला दिया। पता नहीं किस चीज में लगा रहता है इसके अपने। अभी मेरा फोन उठा के इसने फेंक दिया, अभी आया और फटाक से फोन फेंक दिया। और ये मेरे को याद है मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझे बताया था कि नसीर तेरा अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे लैपटॉप को मैं टेबल पे रखती थी तो वो टेबल पे चढ़ के लैपटॉप पे चढ़ के कूदने लगा था। वो तो कहो मेरा बरसों पुराना लैपटॉप है, 10-12 साल है, तो मेरी जान नहीं निकली, वरना बहुत अफसोस होता मुझे उसको शहीद होते हुए देखते। तो ये सारी हरकतें ऑब्वियसली इमरान मिस करने वाले हैं। तो अभी तो बस मैं पैकिंग करूंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फटाफट लिस्ट बनाई हुई है हमने कि ये चीज लेके जानी है। मम्मा क्या दिखा रही है, मम्मा को देखो, तत्ता हो गई बेटू को, कहां पे तत्ता हो गई जान बेटा, जो तत्ता हो गई मुझे, देखो कान इसने बंद कर लिया, मेरे को इनकी आवाज नहीं सुननी है। अब मैंने पैकिंग कर लिया है, ये मेरा पैकिंग बैग छोटू सा, और पूरा घर फैला दिया है रिया ने, पूरा घर फैला दिया है पूरा, ऐसा ऐसा मतलब। अब मेरे को पहले सबसे पहले इसको सेट करना पड़ेगा सोने से पहले, क्योंकि मैं यदि ट्रेन कल सुबह की है तो हम यहाँ से निकलेंगे, उठ रहे हैं हमें 5:30 और फिर मुझे नहा धो के निकलना है, तो सुबह की ट्रेन है। इमरान बहुत इमोशनल हो रहा है। मैं क्यों इमोशनल होने लगा? अरे जाओ, आई विल बी लिविंग माय बैचलर्स लाइफ। हमने डिनर में खाया राजमा और चावल, और मैंने एक्चुअली आज घी भी बनाया था ना, तो उसके साथ मिठाई भी बनाई थी, तो मैंने वो खा लिया, तो मेरा दिल इतना ऐसा सा मीठा सा हो गया ना कि मेरा मुझे बिल्कुल डिनर करने का दिल ही नहीं किया, तो मैंने डिनर तो बस नाम का किया है, और रियान जी ने भी कर लिया, हम सब ने कर लिया है। और बस अब मैं जा रही हूँ जो फैला हुआ है उसको सेट करने, पैकिंग करने के लिए जो भी सामान कपड़े निकाले थे रिया ने सब फेंक दिया था, तो उसे सब कुछ दोबारा करना पड़ा, और अभी भी जा रही हूँ, पूरा घर फैलाया हुआ है इसने, सारी चीज़ें इधर उधर सब पड़ी हुई है, सब सेट करती हूँ मैं, और फिर अब जाएंगे सोने क्योंकि सुबह में जल्दी उठना है। और अब तो ऐसे ही 11:15 हो रहे हैं, हमें 11:30 हो रहे हैं एक्चुअली, तो फटाफट इसको निपटाएंगे और मैं आज का ब्लॉग क्लोज करूँगी। आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू विल सी माय नेक्स्ट व्लॉग सून, बाय, टेक केयर।